अच्छा, मुल्क का हर शहरी, आप, मैं, डॉक्टर फिजा खान, सब हर गुजरते दिन के साथ मजीद से मजीद तर मकरूज होते चले जा रहे हैं। टू बाई टू इंडियन मिलिट्री प्लेन्स, द HAL 228 डोर्नियर एयरक्राफ्ट, इट्स आइडियल फॉर शॉर्ट टेक ऑफ्स एंड लैंडिंग्स, अपेरेंटली दैट वाज अ प्रायोरिटी फॉर गयाना। क्योंकि हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। बुनियादी तौर पर हम इतने साल में किसी एक मुल्क से कर्ज लेकर दूसरे मुल्क को लौटा रहे हैं, या किसी एक इदारे जैसे कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर एशियाई तरक्याती बैंक को दे रहे हैं। और गुआना डिफेंस फोर्स ने भारत को रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें HAL द्वारा बनाया गया डोर्नियर डू 220 एट एयरक्राफ्ट चाहिए। ऐसे कुल दो एयरक्राफ्ट ये एक्वायर करना चाहते हैं। नॉन मुस्लिम है, उसने ये प्रूव करवाया कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं। हम तो काफिरों से लड़ना चाहते थे, हम तो यहूदियों से लड़ना चाहते हैं, हम तो गजवाए बदर, गजवाए हिंद करना चाहते हैं। तो सर, ये गजवाए हिंद मुसलमानों में नहीं हो रही, हम काफिरों को क्या पूछेंगे? काफिर तो फिर अमन बैठे हुए हैं। इंडिया के बॉर्डर पे तो कोई ऐसी चीज नहीं नजर आ रही, ना वो पाकिस्तान पे हमले कर रहा है, लेकिन मुसलमान ही मुसलमान को देख। ये वही इंडिया जिनके कोई मुंह लगाना नहीं था चाहता, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, और यही कह दिया था कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। अब उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उन्होंने करके दिखाया है कि हर मुल्क उनके साथ कनेक्ट है, किसी ना किसी तरह से इंडिया के साथ कोई ना कोई उसने लिंक बना ली है। और हम बींग अ मुस्लिम, हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए। उनके डॉक्टर्स जो है ना सिर्फ इससे फायदा उठा रहे हैं, बल्कि वो दुनिया भर में फिर अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं। देखिए ना, यहाँ पर तो डेंगू और पोलियो से ही आज तक हम निकल सके, तो क्या करें? हमारे सारे बच्चों को, पोलियो वालों को भी वहाँ भिजवा दें, डेंगू वालों को भी वहाँ भेजिए। मेहरबानी करें, हमारे बीमारों को सबको यहाँ से उठाएं। हम आपके, हमारे, आपके यहाँ भेज रहे हैं। कुछ लोग एड्स के हैं, कुछ लोग पोलियो के हैं, कुछ लोग ऐसा। खासकर देखने वाली बात आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। कि इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। इंडियन मेडिसिन मेकर्स बेनिफिट फ्रॉम बिग फार्मा इंटरेस्ट बियॉन्ड चाइना। पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं, दे आर गेटिंग डिप्लीटेड, वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, इंडिया के जो मेन टैंक्स हैं, जो बैटल टैंक्स हैं, उसमें अर्जुन MBT है, ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि अर्जुन जो है, दिस इज द थर्ड जनरेशन टैंक जो कि इंडिया ने भी लोकल बनाया हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ हालात मनफी से मनफी तर होते चले जा रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इंडिया भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस के ऊपर। पाकिस्तान इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान का वो जिसे कहते हैं ना, एक प्रॉब्लम है। तो वहीं पर आवाम को एक बार फिर से सख्त फैसलों के बाद होने वाली महंगाई नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान को मैंने कहा है कि एक ही इशू है, और वो पाकिस्तान को इशू जो है वो ये है कि हमें कोई बंदा मिलिट्री हार्डवेयर देने को तैयार नहीं है। फर्स्ट, दे डोंट ट्रस्ट अस, सेकेंड, वी डोंट हैव द कैपेसिटी, थर्ड, वी डोंट हैव द मनी। क्या हालात पहले से भी ज्यादा खुदा ना खास्ता संगीन होने जा? नमस्कार दोस्तों, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए डोर्नियर विमान गुयाना को दिए जाएंगे। दो विमानों को गुयाना को दिए जाएंगे। विमानों को इसी महीने भेजे जाने की तैयारी है। HAL की तकनीकी टीम भी विमानों के साथ जाएगी। 19 सीटों वाला यह डोर्नियर प्रो बहुउद्देशीय एयरक्राफ्ट है। इसे VIP यात्रियों को ट्रांसपोर्ट करने और एयर एम्बुलेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाना है। इसके साथ साथ यह विमान एयर सर्विलांस, फोटोग्राफी और कार्गो आदि के कामों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। पिछले साल जनवरी में गुआना के राष्ट्रपति HAL लिमिटेड में आए थे और इन विमानों को देखा और इनका उपयोग जाना। डोर्नियर विमान उनको काफ़ी पसंद आए और दो डोर्नियर विमानों का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। यह विमान अब डिलीवरी के लिए तैयार है। भारत अब मेड इन इंडिया के तहत हथियारों का खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। भारत जो हथियार खुद नहीं बना सकता, वह दूसरे देशों के साथ साझेदारी करके मेड इन इंडिया के तहत बना रहा है। कि इंडियन फौज के पास कोई 3500 के करीब बैटल टैंक्स हैं, पाकिस्तान के पास कोई 2400 के करीब बैटल टैंक है। ये पाकिस्तान के अंदर अक्सर बात होती है, दैट कैन वी गो फॉर अ वैसल टू वैसल कॉम्पिटिशन विद इंडिया, इज दिस पॉसिबल? कि जिस तरह इंडिया जो है वो अगर फॉर एग्जांपल इफ दे कीप बाइंग न्यू गैजेट्स, क्या कैन वी बाय? इफ दे कीप बाइंग न्यू मिलिट्री टॉयज, कैन वी बाय दोज मिलिट्री टॉयज? सो ये चीज़ें जो हैं, ये चैलेंज है। अब इंडिया के पास जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि
ये 1000 से ज्यादा टैंक इंडिया के पास है। पाकिस्तान की बरिस्वत 1000 टैंक, लेकिन पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं दे आर गेटिंग डिप्लेटेड, वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के जो मेन टैंक्स हैं, जो बैटल टैंक्स हैं, उसमें अर्जुन MBT है, ठीक है जी, और कहा जा रहा है कि अर्जुन जो है दिस इज द थर्ड जनरेशन टैंक जो कि इंडिया ने भी लोकल बनाया हुआ है। ना तो हम परमानेंट मेंबर हैं और चाइना भी कितनी देर होल्ड कर सकेगा, क्योंकि ये सारी की सारी जो डिस्कशन है ये लंबा, देखिए इंडिया नहीं है इसमें, जापान है, जर्मनी है, इसमें ब्राजील है, 3-4 मुल्क हैं जिन्होंने एज ए परमानेंट मेंबर बनना है। और इंडिया जितना पॉलिटिकली एक्टिव हो रहा है, ग्लोबली रेलिवेंट हो रहा है, फाइनेंशियली जो है वो पांचवी बड़ी इकोनॉमी, सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल। और हर रशियंस इनको जो है वो फेवर दे रहे हैं, अमेरिकन्स अलहदा फेवर दे रहे हैं, सो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग के इनको अगर ना नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान का जारी बात है, पाकिस्तान ने तो करना ही करना है और मेरा करना भी चाहिए। रिसेंटली ये जो हाफिज सईद का जो हुआ है, इसमें 100% ये चांसेस हैं कि इंडिया जो है उसने इन्वेस्टमेंट की होगी, क्योंकि रिसेंटली इंडिया जो है इस मामले में काफ़ी एक्टिव है। अगर आप और अजीत दोवल साहब की भी डॉक्ट्रिन देख लें, वो समझते हैं, और इसके सिलसिले में अगर आप ये भी देखें कि पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जब ये LOC पे गए तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं, मुस्लिम्स के साथ भी हम कनेक्शन बना गए हैं, सऊदीया के साथ वो कनेक्शन बना गया, अफगान के साथ वो बना रहा है, ईरान के साथ, और हम बींग अ मुस्लिम हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए, हमने बींग अ मुस्लिम होते हुए अफगान के साथ हमने नया टाकरा ले लिया, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया, अब कोई नहीं कहता हमें कि हमने इंटरनेशनल लॉ क्रॉस की है, पहले हम अपने ऊपर काम कर लें, फिर हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है कश्मीर का, हमारे वही आज से पहले वही जो 75 साल पहले रोले चल रहे थे वो भी आज से अभी तक चल रहे हैं, 80 साल हो गए, लेकिन हम वहाँ पर ही अटके हुए हैं जहाँ से शुरू किया था हमने। हमारे ऊपर जी पहले तो एक माफिया बैठा हुआ है, मतलब हम किसी और की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं, हमारे ऊपर भी माफिया है, गवर्नमेंट के नीचे भी माफिया है कि रूम्स की रेंट इतने हो जाते हैं कि आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, रोड्स ब्लॉक होने लग पड़ते हैं, जाने जाने लग पड़ती हैं, हम इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे। हम तो काफिरों से लड़ना चाहते थे, हम तो यहूदियों से लड़ना चाहते हैं, हम तो गज़वा-ए-हिंद करना चाहते हैं, तो सर ये गज़वा-ए-हिंद मुसलमानों में नहीं हो रही, हम काफिरों को क्या पूछेंगे, काफिर तो फिर बूढ़ा मन बैठे हुए हैं, इंडिया के बॉर्डर पर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं नजर आ रही, ना वो पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, लेकिन मुसलमान ही मुसलमान को देख। बस यही वाली बात है ना, वो इलामा इकबाल ने कहा है ना कि ये तमद्दुन में वो एक शेर है कि इनको देख के शर्माए यहूद, वो वाली बात ही लग रही है मुझे कि इनको देख के यहूद भी शर्मा रहे हैं कि ये हरकतें जो कर रहे हैं वो क्यों कैसे कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। वजह यही है कि जो बेसिक टीचिंग्स है उनको हम भूल चुके हुए हैं, हम एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं। कहाँ से अफगान और ईरान पाकिस्तान के दुश्मन हुए हैं, अगर हम देखें तो मुस्लिम ममालिक में भी कोई ऐसा मुस्लिम ममालिक नहीं है जो कि पाकिस्तान को उस तरह से प्रियोरिटी या वैल्यूएबल समझे, क्योंकि इस टाइम करंट सिचुएशन में हम माने ना माने सिक्का सिर्फ इंडिया का चल रहा है।